कटनी लोकसभा चुनाव में खजुराहो से कांग्रेस के उम्मीदवार कविता सिंह की उम्मीदवारी क्या दावेदारी विजय दिला सकेगी कांग्रेस को। आज कविता सिंह के चुनाव कार्यालय नदी पार विजय दादू पटेल के निवास पर पत्रकार वार्ता कर कटनी जिले के पत्रकारों से रूबरू हुई, जिसमें उन्होंने अपनी बात कही और खजुराहो से कटनी के बीच के समन्वय पर स्पष्ट कहा कि कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा और हर समय एक शिकायतों के निराकरण और कटनी जिले के विकास में हर संभव प्रयासरत रहूंगी। कविता सिंह ने अपने जनसंपर्क के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ बाकी है, विकास हुआ ही नहीं है, जिसे वो एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर इस क्षेत्र के साथ हुए भेदभाव और वर्तमान प्रतिनिधि के द्वारा कोई कार्य न कराए जाने से रुके हुए कार्य और विकास को महत्व दूंगी। कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने उद्बोधन में स्पष्ट किया कि वो किसी अन्य मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय मात्र विकास कार्य हो जिसका कटनी जिला छूता रहा है। पिछले 20 सालों से वो कटनी को आज भी उसी तरह देख रही है, जबकि अन्य शहरों जिलों के विकास की तुलना में कटनी के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। कविता सेन इस बात का भी जिक्र किया कि वो अपने शिक्षा दीक्षा काल में एक वर्ष कटनी में भी पढ़ाई कर चुकी है। उनका इस शहर से पुराना नाता है, उस रिश्ते को निभाने का समय आ गया है। सदैव खजुराहो और कटनी जिले को समान विकास कार्य करवाया जाएगा। क्षेत्र में किसानों व ग्रामीणों की बदहाल दशा है, किसान परेशान है, उनकी समस्याओं के निदान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जिले के सभी पार्टी के नेताओं को साथ लेकर जनसंपर्क करने आमजनों से भेंट कार्यक्रम सुचारू जारी है। कटनी संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी। मैडम एक कृषि भाई यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर एक सवाल ठीक है, एक सवाल रेलवे की जो आपकी व्यवस्था है, रेलवे की व्यवस्था यहाँ पर पार्टी की एजेंडे से क्यों उनका विकास विकास का विकास के अलावा सारी बातें करते हैं। बातें तो उन्होंने राम मंदिर की भी की थी, राम मंदिर बन गया क्या आपका? तो राष्ट्रीय जहाँ तक राष्ट्रीयता की बात है, हम सभी भारतवासी हैं और यही हमारी पहली सोच होनी चाहिए। हम सब भारतवासी हैं और हम सब भारतवासी होने के नाते हमारा पहला कर्तव्य हमारे देश के लिए है और देश के लिए हर चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे भाजपा हो, देश का हर व्यक्ति मायने रखता है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। आपका जो सवाल था देखिए, मुझे प्रज्ञा ठाकुर जी के बारे में जो न्यूज में मैंने सुना था, वो उनको तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो जिन्होंने देश के लिए जान दी और उसके लिए वो उनका स्टेटमेंट था कि ये मेरा अभिशाप है या मेरा श्राप है या इस तरह की बातें करना, जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी उसके लिए ऐसी बातें करना तो कितना सही है। तो मुझे तो राष्ट्रवाद कोई होता है जिस पर बीजेपी पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है, चुनाव को बांटने की कोशिश कर रही है कि चुनाव राष्ट्र मतलब जो राष्ट्रवादी है वो भाजपा को जी। एक बात बताइए, विकास मुद्दा क्यों नहीं है? जनता क्या चाहती है? विकास चाहती है ना, विकास मुद्दा क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं बताती कि जो 15 लाख का उन्होंने वादा किया था वो मुद्दा क्यों नहीं उठाती? 2 करोड़ रोजगार लोगों को वो मुद्दा क्यों नहीं उठाती? उन्होंने जो नोटबंदी की और नोटबंदी में जो किसान बेचारे गलियों में लगे रहे, जो किसान बैंकों में लगे रहे, मजदूर बैंकों में लगे रहे, वो मुद्दा क्यों नहीं उठाती? और साथ ही ये मुद्दा क्यों नहीं उठाती कि जब किसान अपनी मांग मांगने के लिए उनके पास गए तो उन्होंने उन पर आए हुए मेरे अपने सभी पत्रकार बंधु और मेरी नारी शक्ति के रूप में आप भी विराजमान हैं। अच्छा लगा देखकर पहले तो, क्योंकि महिला जब सामने दिखती है वो भी काम करती है तो पहले खुशी होती है। थैंक यू और आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम। मैं आज आप सब लोगों के बीच में खजुराहो से लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में हूँ और उससे पहले मैं चाहती हूँ कि अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, एक चीज़ जो आदरणीय जैन साहब से मिस हो गई वो ये कि मेरे जो पति हैं वो पहले जो सबसे पहला उन्होंने अपने राजनीतिक की शुरुआत की वो खुद भी नगर परिषद अध्यक्ष रहे। पहले उनकी शुरुआत नगर परिषद अध्यक्ष से हुई
इसके बाद 2003 से और इसके बाद उनका पूरा कार्यकाल भी नहीं हुआ जैसा कि मेरा हुआ। सेम चीज़ उनके साथ भी, उनको विधानसभा का टिकट मिल गया और इसके बाद से चार बार से वो लगातार, तीन बार वो विधायक थे। इसके बाद मेरा इलेक्शन आया, मुझे खुद भी नगर परिषद अध्यक्ष के लिए चुना गया। मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहती हूँ, उस वक्त फिर से सवाल उठाए गए थे काफ़ी कि आप क्यों नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही हैं, बहुत छोटा चुनाव है और ये चुनाव है। तो मेरा उस टाइम भी सीधा जवाब था कि यदि मुझे, मैं लगातार अपने पति के साथ काम कर रही थी 2003 से, 2002 में मेरी शादी हुई और 2003 से मैं उनके साथ काम कर रही थी। मेरा जवाब ये था कि यदि मैं, चूँकि नगर परिषद एक ऐसा नगरीय निकाय जो होता है, यहाँ हम लोगों के घरों में जाते हैं, ये डायरेक्ट हम लोगों से जुड़ जाते हैं और उनके घरों तक की समस्याएं हमें मालूम होती हैं। तो मेरा, मैं चाहती थी कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में, चूँकि 2003 से काम कर रही थी, पर उससे पहले मैं लोगों को समझूं, लोगों को जानूं और फील्ड में काम करूं, जैसा कि मेरे पति ने किया। उन्होंने भी नगर परिषद अध्यक्ष का पहले चुना, लोगों के बीच रहे, उनको जाना, उनके साथ काम किया, इसके बाद वो विधानसभा में आए। और इसके बाद जब ये मुझे सब लोगों की ये मांग हुई, बेहतर देखी होगी उस स्टेशन की दुर्दशा देखकर, मुझे लगता है कि लोग यहाँ क्या करते होंगे, महिलाओं के लिए तो वहाँ कुछ है ही नहीं है। तो मेरी ऐसे ये जो छोटे छोटे विकास के मुद्दे हैं, मैं इनके लिए बात करूँगी। और जैसे स्टेशन है और साथ ही यहाँ के जो युवा हैं उनके लिए आज भी कोई रोजगार के साधन नहीं है, मैं उसके लिए बात करूँगी। महिला आरक्षण के लिए मैं आगे काम करूँगी। आयुक्त निर्माणी ऑर्डर आज की डेट में बंद होने की कगार पर है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, किस प्रकार से फिर से पटरी पर लाने की? देखिए, जो मुझे जानकारी यहाँ पर मिली है कि वो फैक्ट्री है जो बिल्कुल बंद होने की कगार पर है, मैं उन लोगों से संपर्क स्थापित कर रही हूँ और बिल्कुल इसके लिए हम लोग प्रयास रख रहे हैं कि वो, क्योंकि जब एक फैक्ट्री बंद होती है तो उससे उसमें रहने वाले लाखों करोड़ों जो लाखों मजदूर होते हैं, हजारों मजदूर होते हैं, वो बेसहारा हो जाते हैं। तो बिल्कुल मैं इसके लिए प्रयास रख रहूँगी कि मैं ये फैक्ट्री बंद रखूँ। मैडम, और एक चीज़ मैं इसके लिए आप लोगों को बता दूँ कि मेरा अगला जो प्रोग्राम है मैं वहीं जा रही हूँ। तो आप ना भाजपा ही हूँ, अब मैं सिर्फ आपकी अध्यक्ष हूँ, आपकी जनप्रतिनिधि हूँ। आप जैसे क्या मानती हैं खजुराहो लोकसभा में बड़े मुद्दे क्या हैं, आप तो घूम गए हैं, जो होना चाहिए और नहीं हुआ, चार पांच ऐसी बातें जिससे जनता के सीधे सरोकार हो? जी, पहला मेरा मुद्दा, चूंकि मैं खजुराहो से हूँ, पहला वहीं से शुरुआत करती हूँ। मैं खजुराहो में मेरा कनेक्टिविटी, जिसके लिए मैं पिछले 15 सालों से और 5 सालों से केंद्र से लगातार हम लोग लड़ाई करते आ रहे हैं, मैं और मेरे पति दोनों ने इस बात की मांग रखी है कि कनेक्टिविटी होना चाहिए। आज वहाँ पर कनेक्टिविटी ना होने के कारण वहाँ पर जो पर्यटक हैं उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और भाजपा सरकार ने कभी भी वहाँ पर ध्यान नहीं दिया। और इसके अलावा यदि मैं पन्ना में आती हूँ तो पन्ना में भी, जैसे मैंने कहा, वहाँ पर केट वेटवा है, टाइगर रिजर्व की है, वो भी एक अच्छा पर्यटक क्षेत्र बन सकता है क्योंकि लगा हुआ है और आसपास बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं। तो मैं चाहती हूँ एक ऐसी पूरा एक ऐसा पैकेज बन जाए जिससे पूरा जो दिल्ली से जो भी टूरिस्ट या बाहर से विदेशों से जो टूरिस्ट आए वो डायरेक्ट उसको एक पैकेज मिले, जैसे दूसरी जगहों में होता है। तो एक दिन नहीं, वो कम से कम 4-5 दिन रुक कर जाए, जिससे पन्ना के लोगों को भी फायदा होगा, खजुराहो के भी लोगों को फायदा होगा और आसपास में कई ऐसी ऐतिहासिक जगह है जिनको फायदा हुआ। उसके अलावा मेरा, जैसे मैंने कहा, किसानों के लिए मेरा मुद्दा होगा कि मैं नहरों का जाल बिछाऊंगी। नहरों का जाल से किसानों को कम से कम उनको खेतों में उपज तो होगी, उससे दो समस्याएं हल होगी, किसानों के लिए उनकी उपज होगी। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है पलायन की स्थिति, क्योंकि वो किसान ही हैं, आज वो मजबूर हैं क्योंकि उनके पास सिंचाई के साधन नहीं। यदि सिंचाई के साधन उनके पास होंगे तो हम पलायन का जो एक मुद्दा है उस पर भी काम कर सकते। रही बात मेरी कटनी की, तो कटनी में यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि ये एक तरह से हब माना जाता है, यहाँ पर रेलवे का बहुत पुराना